इस स्थान में साईं चालीसा सुनाने स्वयं आते हैं शिरडी के साईनाथ। वीडियो को देखकर हो जाएगा यकीन, साईं बाबा को बहुत ही चमत्कारी बाबा के नाम से जाना जाता है और उनको ही सबसे ज्यादा कलयुग में माना जाता है कि बाबा के भभूति से आज भी सभी भक्तों का कल्याण होता है। वे आज के समय में भी धरती में मौजूद हैं। यही कारण है जो आज के समय में भी हमें साईं बाबा के चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। कहते हैं दोस्तों कि अगर आपको साईं बाबा के कलयुग के समय में आज के समय में दर्शन करना हो तो आप साईं राम का नाम जपें और साईं चालीसा एवं साईं सच्चरित सुने एवं अधिक लोगों को सुनाएं। इससे साईं बाबा बहुत ही खुश होते हैं। साईं बाबा बहुत ही बड़े बाबा कहे जाते हैं। साईं बाबा अपने समय में तो भक्तों का कल्याण करते ही थे। यही कारण है जो आज के समय में भी साईं बाबा सभी अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। आज हम जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, यह घटना कोपर गांव की है। कोपर गांव में साईं दत्त नाम का एक ब्राह्मण व्यक्ति रहा करता था। वह पूरे कोपर गांव में दो ही बातों के लिए प्रसिद्ध थे, पहला साईं चालीसा को लेकर और दूसरा साईं सच्चरित को लेकर। लोग बताते हैं कि जब वह साईं चालीसा बैठकर सुनाते हैं तो उस कथा में साक्षात साईं बाबा आते हैं। उनका एक पड़ोसी पंचराम उनसे बहुत ही जलता था। जन्म से पंचराम भी ब्राह्मण था और वो भी साईं चालीसा सुनाता था, लेकिन साईं दत्त के सामने उसका भीड़ नाम मात्र आती थी, जिससे वह बहुत ही दुखी था। पंचराम को लगता था कि साईं दत्त ने अपना झूठा प्रचार करवाया है। उसने झूठी अफवाह फैलाई है कि उसके सभा में साक्षात साईं बाबा आते हैं, इसीलिए उसके सभा में ज्यादा भीड़ होती है। नहीं तो साईं चालीसा तो वो खुद सुनाता है और वह उससे भी अच्छा सुनाता है, यह पंचराम का मानना था। परंतु पंचराम भगवान की भक्ति को नहीं समझ पा रहा था। अगर आप साईं चालीसा या साईं सच्चरित आप अपने आजीविका चलाने के लिए कर रहे हैं तो उस कथा को सुनने के लिए मात्र मूर्ख लोग आएंगे, लेकिन आप साईं सच्चरित और साईं कथा को भक्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको साईं प्राप्त होंगे ही। एक दिन जब साईं दत्त जी कथा सुना रहे थे और सभा पूरे भक्तों से भरी पड़ी थी, उसी समय उसी सभा में पंचराम भी शामिल हो गया, ये देखने के लिए कि ये ऐसा क्या सुनाता है जो इसके सभा में इतना भीड़ लगा रहता है। वो भी चुपचाप जाकर भक्तों के बीच में बैठ जाता है और साईं कथा को सुनने लग जाता है। और जब वह सुनता है तो वह आश्चर्यचकित में पड़ जाता है कि ये कौन सा साईं कथा सुना रहा है। यह साईं कथा तो कहीं भी शास्त्रों में या पुराणों में लिखा ही नहीं है और न ही किसी ने सुना है। फिर भी वह अपना शंका को दूर करने के लिए लगातार दो दिन तक वह कथा में शामिल हो गए। वह फिर आश्चर्य में पड़ गया कि यह तो हर रोज कोई अलग ही साईं कथा सुनाता है और ये लोग भी बड़े मन से सुनते हैं। अगले ही दिन जब साईं दत्त साईं चालीसा सुना रहे थे, तभी अचानक पंचराम जोर से चिल्लाते हुए खड़े होकर बोला, भक्तगण, यह साईं दत्त पाखंडी है। आपको पता नहीं है, ये जो कुछ भी सुना रहा है ऐसा कोई भी पुराणों में लिखा ही नहीं है और न ही इसका कहीं वर्णन है। ये आप सभी लोगों में झूठी अफवाह फैला रहा है कि इसकी सभा में साक्षात साईं बाबा आते हैं। पूछिए इस ढोंगी से कि ये जो सुना रहा है क्या शास्त्रों में इसका वर्णन है। उसकी यह बात सुन लोगों के बीच में बातें छिड़ गई और उन्हीं भक्तों में से एक भक्त खड़ा होकर साईं दत्त जी को प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज जी, कृपया इनके प्रश्न का उत्तर दीजिए, हमारी शंका को दूर करें। इस बात पर साईं दत्त मुस्कुराए और कहने लगे, अब सभी लोग शांत हो जाइए और एक जगह पर बैठ जाइए, मैं पंचराम की सभी बातों का प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वह सत्य है, मैं जो कुछ भी सुना रहा हूँ वह पुराणों में वर्णन नहीं है। उनका इतना ही कहते हुए पंचराम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और सभी भक्तगणों में मायूसी सी छा गई और वे यही सोचने लगे कि महाराज जी आप ये क्या बोल रहे हैं। फिर पंचराम बोला, देखा, मैंने बोला था ना ये झूठा है। इस पर साईं दत्त जी पंचराम को बीच में रोकते हुए कहे, पंचराम दास, आप जो कुछ भी कह रहे हैं हालांकि वह सत्य है, मैं जो कुछ भी सुना रहा हूँ वो पुराणों में नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी कथा ये झूठी है, मैं बस इस कथे का जरिया हूँ, ये मेरी केवल मुख से निकल रही है, लेकिन इस कथा को सुना तो कोई और रहा है। फिर पंचराम जी ने बोला, अब तुम कौन सा परपंच रच रहे हो। फिर साईं दत्त जी ने कहा, मैं कोई प्रपंच नहीं रच रहा हूँ, यह कथा यहाँ पर आकर स्वयं साईं बाबा सुनाते हैं, वह इसी गद्दी में विराजमान होते हैं, जब मैं कथा सुनाता हूँ तो साईं बाबा मेरे अंदर रहते हैं। यह सुनने के बाद पंचराम जी उसे झूठा और मक्कार कहने लगे और वह बोलने लगे कि क्या प्रमाण है जो इस गद्दी पर साईं बाबा आते हैं। इस पर साईं दत्त जी बोले,
कि अगर आपको प्रमाण चाहिए तो आप कल साईं चालीसा होने से पहले आइएगा। अगर आपने कल यहाँ पर पहले से आकर इस गद्दी को हटा दिया, उसके बाद मैं कभी भी साईं चालीसा नहीं सुनाऊंगा। यह सभी सुनते ही पंचराम जी को इसमें अच्छा अवसर मिला और यही देखकर उन्होंने उनकी पूरी बात मान ली। फिर क्या, अगले दिन इतनी भीड़ थी कि लोगों का वहाँ पर खड़े होने का भी जगह नहीं था। कथा शुरू होने से पहले पंचराम जी पहले ही पहुँच चुके थे। फिर साईं दत्त जी आए और फिर वह गद्दी में बैठने से पहले साईं सच्चरित पढ़ाए और उसके बाद साईं चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने पंचराम जी को गद्दी को हटाने के लिए कहा। पंचराम जी सीना ताने और मुस्कुराते हुए गद्दी की तरफ बढ़े। उन्होंने सबसे पहले उन्हें हल्के हाथ से गद्दी को हटाने का कोशिश करने लगे, लेकिन गद्दी टस से मस नहीं हुई। फिर उसने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन जब गद्दी उससे टस से मस नहीं हुई और वह पसीने से तर हो गया तो वह हार मान गया। यह देखकर भक्तगण जय साईनाथ का नारा लगाने लगे और उस दिन पंचराम जी को भी भरोसा हो गया कि यहाँ पर साक्षात साईं बाबा साईं चालीसा का पाठ सुनाने आते हैं। और उन्होंने अगले दिन से ही साईं चालीसा का पाठ करना छोड़ दिया और उसे छोड़ने के बाद वे साईं दत्त का शिष्य बन गए। दोस्तों, साईं दत्त जी जो कुछ भी सुनाते थे उसे सबसे पहले साईं बाबा उन्हें सुनाया करते थे और वो प्रभु साईं बाबा की अनकही कहानियां सुनाया करते थे। वे चाहते थे कि उनके भक्तगण साईं बाबा के बारे में और भी अधिक जाने।